राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BW टुडे भाव पर। मैं आपका भी मंडियाड़ा स्वागत करता हूं आपका कृषि उपज मंडी भवानी मंडी धान मंडी में। बहुत दिनों से हमारा विचार था कि किसान भाइयों को ऐसी जानकारी भी दे जिससे वो अपना माल भंडारण कर सके, माल को कहीं किसी गोदाम में जमा सके या सरकारी सुविधा का फायदा ले सके। तो उसके लिए आज में हम एक नया वीडियो आपके लिए जारी कर रहे हैं, पहला ऐसा वीडियो जिसमें आपको सटीक जानकारी मिलेगी। आज हम आए हुए हैं राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम पे, जो RS जो पूरा RSWC का जो स्टेट वेयर हाउस है वहाँ पर आए हुए हैं। तो आज मैं यहाँ के जो मैनेजर साहब है उससे पूरी पूरी जानकारी लेने वाले हैं और पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आप अपने माल कैसे भंडारण कर सकते हैं, कैसे जब आपको पैसे की जरूरत आवश्यकता पड़ती है तो उस माल को आपको कम भाव में बेचना पड़ता है पैसे की आवश्यकता के कारण, अब आप अपने माल का भंडारण यहाँ कर सकते हैं। और भंडारण करने के बाद में जब आपको लगे कि भाई अब हमें अब बेचना चाहिए, हमारी फसल का अच्छा दाम मिल जाएगा, तब आप उस माल को निकाल सकते हैं। उसकी पूरी पूरी व्यवस्था क्या प्रोसेस है वो पूरी पूरी जानकारी आज हम वहाँ पर मेरे हिसाब से लेने वाले। चलो अब आपको वहाँ अंदर बात कराते हैं। स्वागत है आपका, अब आपका परिचय कराते हैं हमारे मैनेजर साहब से। आप रुपेन सिंह जी तवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर। और आप हमारे भवानी मंडी राजस्थान स्टेट वेयर हाउस के मैनेजर साहब हैं, रुपेन सिंह जी आपका शुभ नाम है। अब आपसे पूरी जानकारी लेने वाले, तो सर आप बताइए पहले तो कि किसानों को किस किस प्रकार की छूट मिलती है यहाँ पर। किसानों को जमा करने पर यहाँ पर 60-70% गवर्नमेंट की तरह छूट दी जा रही है कि किसान अपना माल लाए और जमा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान आए यहाँ पर और जमा किए कि छूट प्राप्ति की सुविधाएं उठाए वो। तो मतलब 60-70% तक छूट है इसमें, लेकिन इसमें एक वर्ग बने हुए हैं। सरकार ने किसानों को भी अलग अलग वर्गों में बांट रखा है। किसान वैसे मेरा तो पर्सनल मानना है, किसान जरूरी इसमें मेरा तो मानना है कि सरकार को जातिवाद इन चीजों में तो नहीं करना चाहिए। किसान किसान होता है चाहे कैसा भी हो, लेकिन फिर भी ठीक है। आप SC ST वर्ग के लिए सरकार की स्कीम 60-70% है, बाकी जनरल OBC किसानों के लिए अभी कोई फिलहाल में कोई छूट नहीं है। छूट नहीं अभी तो सर का कहना है कि मार्च में थी, मार्च तक छूट, 31 मार्च तक छूट थी। इसमें 50% किसानों को दिया जा रहा था यूटिलिटी के हिसाब से कि भाई उपयोगिता अगर 50% से कम रही तो उसमें 50% छूट किसानों को भी और प्राइवेट जमाकर्ताओं को भी मिल जाएगी उसमें। अच्छा, पहले मिल रही थी मार्च में, मार्च से पहले मिली, तभी 1 अप्रैल से वो बंद हो चुकी है, 21 मार्च से पहले बंद हो गई है। और अगर आगे कोई स्कीम आती है सरकार की तो सर हमें जानकारी देंगे, तो हम भाई आपको अपडेट कर देंगे। सर अभी वर्तमान में जो रेट चल रही है सर वो क्लियर कीजिएगा आप कि सोयाबीन, मान लो कोई किसान अगर सोयाबीन भंडार करना चाहे अभी नए सीजन में, तो नया सीजन में तो सोयाबीन भंडार करना चाहे सोयाबीन में पर कट्टा कितना खर्च आता है क्या वगैरह पूरी जानकारी दे। सोयाबीन का अभी फिलहाल में प्रेजेंट रेट चल रहा है 7.05, सरसों का भी 7.05 है। इसमें इंश्योरेंस चार्जेज अलग से लगता है, जिसके इंश्योरेंस करवा सकते हैं, क्योंकि आग जाने में कुछ भी हुआ तो उसका फायदा मिल जाता है इंश्योरेंस के थ्रू। कितना लगता है इंश्योरेंस? 0.05 का लगता है, 100 रुपए पे, 0.5 यहाँ 100 रुपए पे। और अपने चने का भी रेट चल रहा है, मसूर का रेट चल रहा है 7.71 रुपए, 7.71 चना मसूर, चना मसूर आ गया, उसमें उड़द आ गया। फिर वेट के हिसाब से 60 kg के ऊपर अलग रेट लगेगा और 80 kg के ऊपर अलग रेट लगेगा। अच्छा, वजन के हिसाब से? हाँ, पर 50 kg तक तो 7.71 रुपया रेट है। अच्छा, उसके ऊपर सबसे जिसका वेट बढ़ेगा उसके हिसाब से रेट अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, और इसमें जो भी जैसे मतलब भंडारण कर दिया तो उसके बाद में जो फसल यहाँ पड़ी है उस पर भी समय समय पे जो भी आप खाद जो छिड़काव वगैरह कर रहे सब समय समय से होता है, वो टाइम टेबल से होता है वो चीज। जब इंसेक्ट लगता है, मानसून पीरियड होता है, प्री मानसून या पोस्ट मानसून, उस हिसाब से फ्यूमिगेशन स्प्रे किया जाएगा, उस पर समय समय से कीड़े देखकर चेक किया जाता है 15 दिन में। सर एक बार पूरा प्रोसेस समझाया, मान लो मैं किसान हूँ, मान लो जनरल कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं, SC ST वर्ग के लिए तो इसको अभी स्कोप है, तो पहले जनरल कैटेगरी की बात करें। जनरल OBC को किसान अगर आपके पास आया, मान लो मेरे पास 30 क्विंटल माल है, मैं यह भंडारण करना आया हूँ, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे क्या वगैरह, एक बार थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अभी तो SC ST किसानों के लिए तो उनका जो भी है नकल लाना पड़ेगी, पटवारी से लिखवा के लाना पड़ेगा, तहसीलदार से लिखवा के लाना पड़ेगी, इतनी खसरा नवस्था में आधार पर खेती जमीन है, उसके आधार में बोई हुई फसल थी और इतनी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर वो हम जमा कर सकते हैं उस पर नकल, उसके आधार पर पटवारी के लिखित के आधार पर, और पूरा वेरीफाई होना जरूरी है चीज़ों का कि भाई ST का किसान या SC का ही है, जब उसको छूट प्राप्त होगी। वेरीफाई नहीं होगा कोई भी ऐसे आके जमा नहीं कर सकता, वेरीफाई पटवारी थ्रू जरूर, पटवारी तहसीलदार से वेरीफाई होता है कि भाई ये जमीन SC ST की है और इस पर इतना फसल बोई हुई थी, रकबा था, उसके हिसाब से इतना माल जमा कर सकते हैं उस पर। और किसान हम डायरेक्ट लाके जमा कर सकता है, प्राइवेट जमा करता भी लाके जमा कर सकता है चीज़ों को। जमा करने पर कट्टा जो चार्जेस लगता है वो गवर्नमेंट थ्रू समय समय पर अलग अलग रहता है, तो भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसका डिस्काउंट हम शो कर देंगे भाई, इस डिस्काउंट से जमा हो रहा है माल। अच्छा,
मतलब अभी जो जानकारी दे रहे हैं आपको, अभी में कोई खास डिस्काउंट है नहीं, प्राइवेट का जो जमा करता है उसमें आप ओबीसी जनरल किसान साथ में जो प्राइवेट फर्में वाले वो सब एक ही में आ रहे हैं, और एससी एसटी वर्ग के लिए अभी छूट है 70% छूट जो है अभी एससी एसटी वर्ग के लिए। और सर कोई जनरल का मान लो किसान अगर आपके पास में आया तो डायरेक्ट माल लेकर आया, डायरेक्ट जमा दे, उसमें तो कोई विशेष नहीं, कोई विशेष नहीं, उसमें जमा कर सकता है डायरेक्ट, उसको जो भी गवर्नमेंट का रेट लगा वही रहेगा परसेंट में, उसमें छूट नहीं मिलेगी। माल लाने के बाद में उसके बाद में जो आप फाइनेंस सुविधा, फाइनेंस सुविधा की, फाइनेंस सुविधा WDRA की थोड़ी गवर्नमेंट ने आज वेयरहाउस लागू प्रतिशत लागू किया है उनको, गवर्नमेंट WDRA के तक जुड़ चुके हैं थी, तो उसमें फाइनेंस सुविधा कंपनी के थ्रू दी जाती है, NERL कंपनी है उनके थ्रू सुविधा दी जाती है, किसान लाके या कोई भी फर्मा लाके माल जमा करता है तो उस पर बैंकिंग सुविधा दी जाती है उनको, जो भी उनके चार्जेस रहता है वो चार्जेस लेते हैं, उसके बाद वो बैंक जो लिमिट रहता है खाता की वो लिमिट के आधार पर उनको बैंक से लोन प्रोवाइड करवाया जाता है पूरी आसानी से। तो किसान भाई उसमें आपकी सुविधा इस प्रकार की, मान लो आपके पास में 30 क्विंटल माल है और आपको अभी लग रहा है कि मंडिया मान लो सोयाबीन को उधार लेते हैं कि सोयाबीन बिक्री भी 4,000 रुपये से 4,200 रुपये, और आपकी कोई फाइनेंशियल कमजोरी है, मान लो कि आर्थिक कमजोरी के में मुझे माल बेचना पड़ेगा, मुझे पैसे की आवश्यकता है, उस समय आप सोचा कि मुझे माल इसलिए बेचना पड़ रहा है क्योंकि मेरी मजबूरी है, तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छी स्कीम है कहीं ना कहीं वेयर हाउस, आप उस समय माल का भंडारण करते, महीने का एक कट्टे का मतलब 50 किलो का इकट्ठा होता है उसका 6-7 रुपये आपका चार्ज लग रहा है, उसमें आपका माल सुरक्षित पड़ा भी है, कोई दुर्घटना होती भी है तो उसको भी आपको कहीं ना कहीं बीमा क्लेम हो जाता है, उसका पैसा आपको वहां से मिल जाएगा, और साथ में आपको ये किसी न किसी बैंक से फाइनेंस करवा देंगे, और फाइनेंस बैंक का अलग अलग सिस्टम है, कोई मान लो साल का 4% भी ले रहा है, कोई 5% भी ले रहा है, सबका बैंक का अलग अलग सिस्टम है, आपका कैसा क्रेडिट स्कोर है उसके हिसाब से आपका काम हो जाएगा। तो किसान भाई सटीक जानकारी है इसलिए है आपके लिए क्योंकि किसान भाई अपने माल का भंडारण कर सकता है समय पे, जो सीजन में जल्दी माल बेचना पड़ता है, क्यों पैसों की कमी के कारण से वो कमी आपकी दूर हो सकती है। हमारे चैनल ने पूरे मन से आपके लिए वीडियो बनाया, इसलिए बनाया ये जानकारी अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको दी नहीं है कि वेयर हाउस में ये चीजें होती है, वो किसान अपने माल का भंडारण कर सकता है और वहां से वो समय से पहले जो माल बेचता है कम भाव में आर्थिक मजबूरी कारण से वो दूर हो जाए कहीं ना किसी किसी रूप से, 4,042 की जो सोयाबीन उस समय आपको लग रही है उस समय भंडारण कर दिया, आपको फिर लगे वो पैसा जो आपने काम में लेना था पैसा आप काम ले ले, फिर जब आपको लगता है कि आप सोयाबीन 5,000-5,500 बिक रही है मैं बेच सकता हूं, समय बेच दें, महीने का आपको कुछ मान के चले अगर आपके 30 क्विंटल माल है और एक कट्टा के अगर 5 रुपये खर्च भी पकड़ के चलते हैं अपन, तो 30 कट्टे का लगभग लगभग अगर मोटा मोटा अगर आप अपना आंकड़ा पकड़ते हैं तो लगभग 300 रुपये समथिंग पड़ता होगा सर। 30 कट्टा कितना पड़ता होगा 30 क्विंटल का? 300 समथिंग पड़ता होगा ये। तो ये जो आंकड़ा है आपका, इस आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखें तो 300 रुपये पर मंथ आपका खर्चा हो रहा है, मैं 30 कट्टे का आपको अंदाजा बता रहा हूँ। किसानों के लिए तो बढ़िया छूट है 60-70%, एससी किसानों को तो बढ़िया फायदा उठा, और एससी एसटी के वो किसान है तो उन किसान भाई से तो स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप आते तो बढ़िया विजिट करें, आना चाहिए आपको यहाँ पे, पूरी पूरी आपको सर्विस मिलेगी। रुपेन जी यहाँ पे आपके पास हमारा नंबर ऐसे रहेगा, कोई मिलते भी नहीं तो हमसे संपर्क करें, हम आपसे बात करवाएंगे, और 70-75% आपको छूट है, मान लो अगर 7 रुपए लग रहे हैं तो आपको यहाँ पे 400 मतलब 2-3 रुपए में काम हो जाएगा। एससी एसटी प्राइवेट भी छूट नहीं दे रहा है, आपको वेयर हाउस में भंडारण करना चाहिए। और सर जो बैंकिंग फाइनेंस सुविधा है इसमें कोई ऐसा भी है कि मान लो कोई बैंक करप्ट है तो उसका नहीं होता है क्या, ऐसा कुछ भी है क्या? बैंक का तो उनकी जहाँ लिमिट जब खाता है उसी बैंक से हम उनको प्रोवाइड कराया जाता है, जिस बैंक में खाता चल रहा है ज्यादा चला जमीन का जो भी मतलब जहाँ से लोन लिया जाता है उसी को जमीन से उनका, क्योंकि उसमें अकाउंट खुला रहता है उनका तो सरल होता है उस चीज का, खुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़े उसमें ही काम हो जाता है, बैंक से उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। बहुत सुंदर सर, और बहुत धन्यवाद सर भारत सरकार का, लेकिन एक कमी जो हमें लग रही है कहीं ना कहीं हमारा मन से फिर वापस वही बात निकल रही है कि किसानों को किसी भी जाति में नहीं बांटा जाए, किसान किसान होते हैं, दरिद्रता सबके घरों में होती है, इसलिए निवेदन है किसानों को एक श्रेणी में रखे और किसानों के लिए अलग से सुविधा करें, आप प्राइवेट फर्मों के लिए कोई अलग कर दे कोई दिक्कत, वो पूंजीपति लोग हैं उनको समस्या नहीं, लेकिन निवेदन है आपसे कि किसानों के लिए तो एक श्रेणी बनाए आप, उनको छूट देनी चाहिए आपको, चाहे किसी भी वर्ग का किसान हो, और कोई व्यापारी भी बुरा ना माने लेकिन मन में जो दुखता किसान का बेटा हो, मन का मन में जो दुखता वो बात मैंने बोल दी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, जानकारी देने के लिए, और कोई अगर जानकारी सर अगर आप अपडेशन होता है तो आप हमें जरूर जानकारी। ठीक है सर, धन्यवाद।